एक काम कर लेना, बस एक छोटा सा काम कर लेना, 18,000 रुपए को 10% पर दोगे तो पहले साल का ब्याज कितना होगा वो समझो, ठीक है। 18,000 रुपए है, 10% पर दिया तो पहले साल का ब्याज हो गया आपका 1800, तो आप लिख लो कि 1800 रुपया पहले साल का ब्याज है, ठीक है। पहले साल का ब्याज आ गया है और तीसरे और चौथे का अंतर बताना है, यानी पहले से वो जब वो दूसरे पर जाएगा, पहले से दूसरे पर जाएगा, पहले साल से दूसरे पर जाएगा तो ये ब्याज अपने आप का 11/10 हो जाएगा। अब 11/10 कहां से हुआ, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अपने आप का 11/10। ये पहले से दूसरे पर गया तो 11/10 हो गया, पहले से दूसरे पर गया 11/10, दूसरे से तीसरे पर जाएगा तो 11/10 हो जाएगा, दूसरे से तीसरे पर जाएगा 11/10 हो जाएगा, और तीसरे से चौथे पर जाता तो 11/10 हो जाता। लेकिन आपको चौथे का नहीं बताना, आपको तीसरे का नहीं बताना, तीसरे और चौथे का अंतर बताना है। तो ऐसे समझ लो कि 10 है और 11 है, 11 और 10 का अंतर कितने का, 1 का, और बटे में 10 डाल दो, ये जो है सीधा का सीधा आपका उत्तर आ गया ऐसे सवालों में। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो सवाल है मैं आपको बताऊंगा 10 सेकंड के अंदर, मैं 2 सेकंड की